संत किरण को जाए तजी माया अभिमान ज्यो ज्यो पगयागे धरे कोटि नयज्ञ रामचंद्र भगवान के और अपने कन्हैया को बुलाओ।
क्या करे बेचारी, हाथों में बीज का प्याला लिए, आंखों में हाथों की धारा लिए निकल पड़ते हैं। और वही संतों की टोली लगी हुई थी, संतों ने देखा, कहा, अरे मेरी इस कन्हैया को आर्त भाव से पुकारने वाला ये भक्त कौन है। देखा तो वाक लबीला कन्हैया की नाम रटते हुए आंसू बहाते निकल से जा रही थी और अनायास संतों के मुख से निकल पड़े। हंसे के तुकीर उसी का प्याला काहे गड़लते रे गोपाला, काहे गड़लते रे गोपाला। भगवान कब आते जब ऊपर शरणागत में हो जाए, तो शरणागत में कैसे भावपूर्ण होना है, भावपूर्ण होना है तब कैसे होना है, अपन बल के प्रयोग ही नहीं करना है। ऊपर शरण में जाके गिर जा, आत्मा परमात्मा में मिल जाना चाहिए। देख से समझ कि भगवान के चरण में देवता के रूप में पड़े हैं। जब व्यथा तीर से निकलते संत जनों को भगवान आवाज लगे और सुनते, आप सब जाना को महाभारत में जब द्रौपदी के तीर हरण करेगी भाई, पांचों पांडव जमन महारथी कहे गए हैं, ऊपर से बढ़ के दुनिया में कोई योद्धा ही नहीं है। और मन भी
सभा में बैठे रहे भीम जैसे गदाधारी, अर्जुन जैसे बाण चलाने वाला, नकुल सहदेव जैसे भाई, जिन्हें धर्म के रक्षा करने वाले धर्म याद ये जिसके बैठे रहे और अधिक सब के बीच में द्रौपदी के चीज हरण के चीज हरण करे बन दुशासन जब चीर जीते भाई द्रौपदी को पारे कन्हैया के कहा कन्हैया का द्रौपदी अभी तो मुक्ताखर थे आपके भाई द्रौपदी भगवान कन्हैया कुमारक कुमारक जाके जब द्रौपदी जाने तो दो हाथ ऊपर करे और एक पैर में खड़े होके भगवान कन्हैया कुमारे भगवान अब तो मोर रक्षा कर ले और राज बजा ले तो दोनों भगवान कन्हैया जैसे आज मीरा के पास में आप और मेरा आर्त भाव से भगवान कन्हैया को पुकारे वो करुण स्वर मेरे कन्हैया तुम चले आओ मेरे कन्हैया तुम चले आओ राम चंद्र भगवान के